नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है वर्वेरिस वल्गरिस के नाम से, वर्वेरिस वल्गरिस मदर टिंचर या फिर वर्वेरिस वल्गरिस क्यू। तो इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी लोगों को पता है कि यह मेडिसिन पथरी निकालती है, गुर्दे की पथरी निकालती है। तो इस मेडिसिन को काफ़ी लोग पीते हैं गुर्दे की पथरी निकालने के लिए, चाहे उनकी पथरी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, चाहे उनके अंदर दर्द का सिम्टम है या नहीं है, कुल मिला के वह मेडिसिन पीना शुरू कर देते हैं। वैसे में क्या होता है कि उनकी पथरी कई बार निकल जाती है और मैक्सिमम टाइम पथरी नहीं निकलती है, क्योंकि अगर हम वर्वेरिस वल्गरिस पिलाते हैं, सपोज़ कीजिए 100 पेशेंटों को हम वर्वेरिस वल्गरिस पिलाते हैं जिनको पथरी है, तो 30 या 40 लोगों की ही पथरी निकल पाएगी अगर लेफ्ट साइडेड में है, या फिर कई बार राइट साइड की भी निकल जाती है। तो वैसी कंडीशन में, क्योंकि इस मेडिसिन को काफ़ी लोग जानते हैं, तो एक से दूसरे को यह मेडिसिन बताते हैं कि आप ये मेडिसिन लो मेडिकल स्टोर से जर्मनी के, लेना और ये मेडिसिन पथरी आपकी निकाल देगी। अब कई बार क्या होता है कि 20-20 25-25 एमएम की पथरी होती है, पेशेंट इस मेडिसिन को लेते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं लगता है, क्योंकि हर साइंस की अपनी एक लिमिट होती है कि कितने एमएम तक की पथरी निकल सकती है और किस साइड में आपके पथरी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कई बार होता है कि वर्वेरिस वल्गरिस से मेडिसिन से पथरी नहीं निकलती है। अब ऐसे में लोग क्या करें, ऐसे में पेशेंट्स क्या करें, उनको लगता है क्योंकि होम्योपैथी से पथरी नहीं निकली तो होम्योपैथी यूजलेस है, ख़राब है, ये कड़वी सच्चाई है। तो अब इसमें क्या आपके सामने दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, आप जाके इसकी आप सर्जरी करा लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है किसी भी पैथी पे, क्योंकि सर्जरी का अपने एक अलग फील्ड है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप होम्योपैथिक का या फिर आयुर्वेदिक का प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए डॉक्टर के पास जाकर, उसे सारी अपनी चीज़ें बताकर। ये कंडीशन उन दोस्तों के लिए है जो केवल मेडिकल से मेडिसिन लेते हैं वर्वेरिस और उसको लगातार हम पीते रहते हैं और उनको लाभ नहीं लगता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाइए, या तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। और वर्वेरिस के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो बहुत अच्छा काम करती हैं, और अच्छा काम मेडिसिन तभी करती है जब उसको हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम देते हैं। होम्योपैथी में कल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, कल्केरिया रेनेलिस, सार्सपरीला, हाइड्रेंजिया, वर्वेरिस वल्गरिस, बहुत सारी मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं। बट यहाँ पे आपके सामने दूसरी ओर में ऑप्शन रखता हूँ, अगर आपको पथरी नहीं निकल रही है और आपने वर्वेरिस वल्गरिस पी ली है, तो आप जस्ट ट्राई के लिए अगर आप एक आध महीना और ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ट्राई करते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन आती है SBL की क्लियर स्टोन के नाम से। तो काफ़ी सारी मेडिसिन का कंपोजिशन है उसमें और अच्छी अच्छी मेडिसिन का है, और उस मेडिसिन का रिजल्ट भी है अगर आपके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में है, या फिर आपको यूरेटर में या फिर आपको यूरिनरी ब्लैडर में है, तो वह पथरी आसानी से निकल जाएगी अगर वह आपकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 एमएम तक की है। अगर वह बड़ी पथरी होती है तो कई बार नहीं निकलती है। तो आप इस कंपोजिशन को ले सकते हैं, मतलब आप क्लियर स्टोन को ले सकते हैं, SBL कंपनी इसको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड, आपने इसी के साथ साथ एक मेडिसिन और लेनी है जिसका नाम है सिस्टोन। ये आपको मिलेगी हिमालय कंपनी की, और आप इसका सिरप यूज़ करें। दिन में 3 बार इस सिरप को यूज़ करना है आपने, और 10-10 ml यूज़ करना है, आधे कप पानी में आपने इसको डाल के यूज़ करना है। वहीं पे जो आपने क्लियर स्टोन की डोज लेनी है, 20 से 25 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप इस मेडिसिन को डाल के लें। अगर आपने वर्वेरिस वल्गरिस पी ली है तो आप ये दोनों मेडिसिन यूज़ ज़रूर करें, 1 से 2 महीने यूज़ करें, देखें आपकी कंडीशन इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब आपकी पथरी निकली है या नहीं निकली है। अगर नहीं निकलती है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे कुछ दिन मेडिसिन के बाद अगर आपकी पथरी नहीं निकलती है तो आप इसकी सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि ये पथरी आपकी नहीं निकलेगी। क्योंकि कई बार होता है कि पथरी इस तरह के मटेरियल से बन जाती है कि कई बार 2-3 mm तक की पथरी नहीं निकल पाती पेशेंटों की, और उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये था दोस्तों समझाने का मेरा एक मोटिव, जो लोग वर्वेरिस वल्गरिस पीते हैं और फेल हो जाते हैं तो वह लोग ये कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो यूज़फुल लगा हो, वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जो दोस्त व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप किसी बीमारी से बीमार हैं, लगातार में आपकी बीमारी चल रही है
और या फिर आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी हेल्थ कंडीशन आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी का वेलकम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पंजाबी जट्टी पाई फिर दी, सारा डाउन टाउन पीछे लाई फिर दी।